And then are you gonna like eat your placenta? I'm gonna eat it in pills. Yeah, so you need the placenta person to come while it's still That's fresh. That's not just like a thing at the hospital? No, you need to find a placenta company. And then like they knock on the door when you're like just giving birth and they're like, the placenta pickup's here. How do I know that they're giving me back my placenta? You don't. But like with Saint, my placenta was double the size. It was really oddly big. Ew. And so she gave me 2 jars. What are your jars of? Like purple pills, and it's like you pick a grape flavor or whatever. No, you're lying now. Yeah, I swear. No. Yeah. Grape flavored what, placenta? Yeah. What? Mm-hmm. हॉलीवुड में फूड की इतनी कमी है। हाय एवरीवन, आई एम गोपाल सोलंकी, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में जिसने अपना खुद का प्लेसेंटा को कंज्यूम किया हुआ है, यानी कि अपना खुद का प्लेसेंटा को ईट किया हुआ है, खाया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन बेबी एंड मदर, यानी कि फीटस जो डेवलप हो रहा है उसका और मदर के बीच का कनेक्शन है। अब मैं आपको प्लेसेंटा के कुछ फंक्शन के बारे में बताता हूँ। प्लेसेंटा का फर्स्ट फंक्शन है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू बेबी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू बेबी, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बेबी टू मदर। और प्लेसेंटा जो है वो कई सारे हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG, HPL एटसेट्रा। सो एक्चुअली प्लेसेंटा इज अ फुल ऑफ हॉर्मोन ऑर्गन। बेसिकली लैंड एनिमल जो होते हैं उसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद बाहर आ जाता है, और कई सारे लैंड एनिमल्स हैं जो अपना प्लेसेंटा को खा जाते हैं, पर उसमें ह्यूमन ना एक्सेप्शन है, वो कंज्यूम नहीं करते इसे। कुछ हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है जो अपना खुद का प्लेसेंटा उसने खाया हुआ है, यानी कि कंज्यूम किया हुआ है, उसका मैं ना आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट किम कार्दाशियन, सेकंड जेन्युअरी जोन्स, थर्ड कर्टनी कार्दाशियन, फोर्थ गेबी ऑफमान। मैंने ना ये 4 ही बताए, पर मेरे पास ना पूरा ऐसा लिस्ट है कि जिसने अपना प्लेसेंटा को कंज्यूम किया हुआ है। इस सिचुएशन को कहते हैं प्लेसेंटोफेजिया। सो अब आपके मन में एक सवाल होगा कि इसको ये लोग कंज्यूम कैसे करते हैं, यानी कि किस फॉर्म में ये सब खाते हैं। इसमें ना सबसे पहले प्लेसेंटा को ड्राई किया जाता है, उसके बाद में उसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और उस पाउडर फॉर्म को कैप्सूल में कन्वर्ट करके वो डेली बेस पर यूज करा जाता है। सेकंड यूज है स्मूदी के हिसाब से, यानी कि प्लेसेंटा फ्लेवर स्मूदी, और बारबिट्यूरेट है या फिर पिज्जा हो या फिर बर्गर हो उसमें साथ में मिला के कंज्यूम करते हैं। और कई जगह पे ये भी माना जाता है कि प्लेसेंटा कंज्यूम करने से पोस्टपार्टम पेन एंड डिप्रेशन भी डिक्रीज होता है, और अपने ग्लो के लिए भी वो अच्छा है। अब लास्ट सवाल पे आते हैं, शुड वी एक्चुअली ईट प्लेसेंटा? आंसर इज नो, क्योंकि प्लेसेंटा ना ब्लड से फुलफिल होता है, सो इसमें ना बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं लाइक वायरस, बैक्टीरिया। एक्चुअली प्लेसेंटा ना इस एक टाइप का मीट ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांस है। अब तक के रिसर्च के हिसाब से प्लेसेंटा का कोई ऐसा यूज नहीं है कि जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा हो, या फिर कोई ऐसा भी रिसर्च नहीं है कि वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो, पर इसमें ना इतना जरूर रिसर्च हुआ है कि इसमें ना बहुत सारे इन्फेक्शन होता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। Thank you.